अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम जोहेब फ्रॉम जोहेब मशीन्स। आज मैं आप लोगों को ये इन तीनों मॉडल्स को चलाने के बारे में बताऊंगा। ये बेसिकली तीनों सेम मॉडल हैं, सिंगर कंपनी की मशीन्स हैं, काफ़ी रिलायबल हैं और बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में अवेलेबल है हमारे पास। और ये लेटेस्ट मॉडल्स हैं सिंगर मशीन के। ये इन तीनों मॉडल्स के अंदर 100 बिल्ट इन स्टिचेज हैं, जिसके अंदर डेकोरेटिव डिजाइन भी हैं, अल्फाबेटिक स्टिचेज भी हैं और सिंपल स्टिच जिगज़ैग पीको ओवरलॉक काज भी है। तीनों को रखने का मकसद ये है इस वीडियो के अंदर कि इन तीनों के स्पेसिफिकेशन सेम है, इनको चलाने का तरीकाकार सेम है, इनके फीचर्स जो है वो सेम है, इनके फुट सेम लगेंगे, सेम सब कुछ होगा। अगर आप लोग कोई भी एक मशीन अगर आप चलाना सीख लेते हैं तो आप इन तीनों मॉडल्स में से कोई सी भी एक मशीन को चला सकते हैं। आपको साथ बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। ये डस्ट फ्री कवर होगा और इसके अलावा फुट एक्सेसरीज होंगी। ये आपको इसके साथ डस्ट फ्री कवर भी नज़र आ रहा होगा और फुट एक्सेसरीज में आपको बटन होल वाला फुट, इसके अलावा पीको वाला, ओवरलॉक वाला और इसके अलावा आपको डिफरेंट ये जो जिप लगाने वाला, डोरी लगाने वाला फुट होता है वो मिल जाएगा। इसके साथ 110 लीड मिल जाएगी, एक एडाप्टर मिलेगा और एक्स्ट्रा बॉबिन्स मिलेंगी। ये सब कुछ आपको इस पैकेज के अंदर इंक्लूडेड है, सब कुछ आपको इस मशीन के साथ मिलेगा। अगर आप इस मशीन के तमाम तर फीचर्स को जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ से वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको एक एक इसके पैटर्न का, एक एक डिज़ाइन का आइडिया हो सके। जी तो सबसे पहले इसके अंदर धागा डालना देख लेते हैं। धागे को डालने का तरीकाकार बहुत ईजी है इसके अंदर। यहाँ पर आपने अपनी रील को लगा देना और उसके बाद आगे ये स्टॉपर लगा दिया। देन इसके बाद आगे ये नंबरिंग हुई भी है, देखें उन्होंने नंबर्स भी दिए हुए हैं 1, 2 और यहाँ से स्ट्रेट आपने नीचे आ जाना है। तो यहाँ से आपने स्ट्रेट नीचे आ जाना है। जब भी आपने धागे को डालना है या धागे को निकालना है, मेक श्योर कीजिएगा ये आपका जो फुट है ये ऊपर होना चाहिए। तो इसको हम फुट लिवर के साथ जो है ये ऊपर कर लेते हैं। ये बहुत ही एक अहम पॉइंट है, अगर आप धागे को जो है वो नीचे, मतलब फुट को जो है वो नीचे रहने देंगे और यहाँ से जो है फुट लिवर जो है वो नहीं उठाएंगे तो धागा जो है वो इस जगह पर टेंशन प्लेट्स के अंदर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से आपके जो मशीन जो है वो धागा प्रॉपरली नहीं अंदर से टेंशन प्लेट्स में से गुजारेगी और स्टिच का नीचे वाली साइड से स्टिच जो है वो लूप्स बनाना शुरू कर देगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पे 5 नंबर से एक ये हुक है, इसकी हुक की बैक साइड से आपने गुजार लेना है और उसके बाद स्ट्रेट आपने सीधा सुई के अंदर, ये बिल्कुल एक पिन है सुई के बिल्कुल पास, आपने वहाँ पे इसको पकड़ा देना है अपने धागे को। तो यहाँ पर पहुँच जाने के बाद आपने इस लिवर को डाउन कर देना है और इस लिवर को जैसे ही आप डाउन करेंगे यहाँ से इसको आपने आगे की तरफ कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो हुक आपको नज़र आ रही है, ये जिस हुक के अंदर मैं धागे को पकड़ा रहा हूँ, यहाँ से आपने इसके अंदर करके उसके बाद ये बिल्कुल नीचे एक बारीक सी पिन होगी जो कि इस धागे को पकड़ लेगी। ये देखें, ये बैक साइड से धागा जो है वो पीछे की तरफ निकल गया, ये हमने बैक साइड से पकड़ के इसको बाहर निकाल लेना है। तो इस मशीन के ऊपर बॉबिन फिल करने का तरीका कुछ इस तरीके से कि यहाँ से आपने इस रील को पकड़ना है और उसके बाद ये यहाँ से इधर और फिर उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट, ये डॉटेड लाइन को फॉलो कर लेना है और उसके बाद आप थोड़ा सा इसको हाथ के साथ वाइंड कर दीजिए ताकि ये धागा जो है वो थोड़ा सा इसके ऊपर ग्रिप कर जाए। उसके बाद आपने इसको राइट साइड पर पुश कर देना है और उसके बाद ये जो बिल्कुल नीचे वाला बटन था यहाँ से हमने इसको स्टार्ट कर देना है। आप ये देख सकते होंगे मशीन इस टाइम पर बॉबिन फिल कर रही है। नीचे बॉबिन में धागा डालने के लिए बकायदा यहाँ पे डायग्राम भी मेंशन है, आप इस डायग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से इसको राइट साइड पे जब आप पुश करेंगे तो ये इसका जो लिड कवर है ये ऊपर आ जाएगा और उसके बाद इसको यहाँ से ऊपर उठा लेने के बाद आपने इसके अंदर अपनी बॉबिन को जो है ये इस तरीके से यहाँ पर रख देना है। रखने के बाद आपने इसी डायग्राम को फॉलो करना है। वैसे तो उन्होंने यहाँ पे एरोज भी दिए हुए हैं, ये देखें यहाँ से इधर, उसके बाद ये यहाँ से बैक साइड पे और उसके बाद ये इस जगह पे एक बारीक सा कटर है जो कि इस धागे को कट कर देगा। ये इस जगह पर जाके ये देखें एक्स्ट्रा थ्रेड जो हमारा कट हो गया। इसके बाद इसके ऊपर मैं ये इसका लिड कवर जो है वो वापस लगा दूंगा। सबसे पहले हम इसके ऊपर सिंपल स्टिचिंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही हम मशीन को ऑन करेंगे मशीन अपने सिंपल स्टिचिंग मोड पर होगी और उसके बाद हमने यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना और यहाँ से मशीन को स्टार्ट कर देना तो मशीन जो है वो सादा सिलाई करना शुरू कर देगी। जैसा कि आपने देखा मशीन ने अपनी सिंपल स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं मशीन को स्लो स्पीड में चलाना चाहूँ या टांका बड़ा या छोटा करना चाहूँ तो ये यहाँ से जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये देखें यहाँ से मैं इसको स्लो कर देता हूँ। ये इसका स्पीड लिवर है, लेफ्ट साइड पर स्लो हो जाएगी मशीन, सेंटर में मीडियम हो जाएगी और उसके बाद ये आप यहाँ से इसको फास्ट कर सकते हैं।
इसी तरीके से अगर मैं इस बटन के ऊपर आऊँ यहाँ पे प्लस एंड माइनस पे, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पे ऊपर 2.5 नंबर आ रहा है। नेक्स्ट प्लस माइनस जो है वो जिगजैग की विड्थ और लेंथ को कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ से इसकी ये टांगे की लेंथ को कंट्रोल करने के लिए। तो मैं यहाँ से इसको बड़ा या छोटा कर सकता हूँ, और उसके बाद यहाँ से जिसे हम बखिया बड़ा करना कहते हैं आम जुबान में, उसके बाद ये आप देख सकते हैं इस साइड पे जो है बखिया बड़ा हो गया, इस साइड पे जो है वो टांका जो है इसका छोटा था। अब आगे चलते हैं इसकी जिगजैग के ऊपर, 5 नंबर के ऊपर इसकी जिगजैग है, और ये आपको जिगजैग करके दिखा देता हूँ। जिगजैग के ऊपर सही कंफर्म पता चलता है कि किस तरीके से हमने इसका टांका बड़ा और छोटा किया था। अब यहाँ पर मैं इसका टांका जो है वो छोटा करूँगा, तो आपको आइडिया होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट मशीन जो है वो जिगजैग कैसी बना रही थी, और उसके बाद इसका जो बखिया है वो छोटा करने के बाद कैसी होगी। इस साइड पे इस मशीन का जो है वो थ्रेड कटर भी लगा हुआ है, यहाँ से आप इसका थ्रेड जो है वो कट भी कर सकते हैं। और अब आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं सामने, अगर स्क्रीन पे नज़र आ रहा तो ये देखिए, ये इसने जो है यहाँ से जिगजैग इसकी छोटी है, यहाँ पे जिगजैग इसकी बड़ी है जी। तो जिगजैग करने के बाद मैं अब आपको इसके थोड़े से फीचर्स ये बता देता हूँ कि जो इसके अंदर बिल्ट इन जो सारे डिज़ाइन वगैरह हैं वो किस तरीके से आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इस जगह से यहाँ से ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर ये इसका सारा ट्रे है जिसके अंदर ये सारी डिज़ाइनिंग वगैरह कंपनी ने मैंशन की हुई है। टोटल नंबर्स के ऊपर ये मशीन ऑपरेट होती है, 41 नंबर है, 42, मतलब टोटल ये 100 तक इसके सारे स्टिचेस हैं, और यहाँ से आपने इन्हीं बटन्स को प्रेस करने से ये सारे स्टिचेस जो हैं सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पर तो आप देख रहे होंगे कि जस्ट 1, 2, 3 और 9 तक बटन्स आ रहे हैं, तो 100 तक हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप ये नीचे वाला बटन देखिए, यहाँ से ये इसके ऊपर सादा सिलाई और जिगजैग भी है, और ए भी लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है डायरेक्ट। तो हम जैसे ही इस चार्ट के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे ऊपर हमें चार्ट के ऊपर लिखा हुआ नज़र आता है डायरेक्ट, और उसके बाद 10 नंबर स्टिचेस के बाद यहाँ से हम लोग पैटर्न्स के ऊपर चले जाते हैं। पैटर्न्स यहाँ पर देखें, जैसे ही मैं इस बटन को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर पैटर्न्स लिखा हुआ आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पैटर्न्स लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ से सपोज मैं एक आधा कोई स्टिच इसका सिलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ से मुझे 26 नंबर वाले स्टिच को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा जस्ट 2 and 6, बहुत इजी टू यूज़ मशीन है। 26 नंबर वाला स्टिच अब आपको बनाकर दिखाता हूँ, जस्ट आपने 26 वहाँ पे टाइप किया और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर दिया। किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई स्टिच सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी विड्थ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, टांका बड़ा छोटा ये मशीन खुद ही एडजस्ट करेगी, सब कुछ खुद ही करेगी। बिगनर्स भी इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं जिनको मशीन बिल्कुल भी चलानी नहीं आती वो भी इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, ये इतनी इजी टू यूज मशीन है। ये आप इसका स्टिच देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से मशीन ने स्टिच बनाया, ये ऊपर वाली साइड से और ये नीचे वाली साइड से, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर ये जितने भी एडिशनल फीचर्स हैं जो कि मतलब काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइनिंग है इसकी, वो मैं अब आपको बनाकर दिखाता हूँ। फास्ट फॉरवर्ड में गुजार दूंगा ताकि आपको ये सारी बेलें वगैरह जो है बनाकर दिखा सकूँ इस मशीन के अंदर, ताकि टाइम कम से कम कंज्यूम हो। जी तो ये आपने देखा कितनी ज़बरदस्त इसने एम्ब्रॉयडरी की है, डेकोरेटिव डिज़ाइंस बनाए हैं। अब ये सब देखने के बाद मुझे तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए, आप लोगों को फ़ौरन ही ऑर्डर कर देना चाहिए। मुझे पता है आप लोगों को ये मशीन बहुत पसंद आई होगी, इसके अंदर जितनी खूबसूरत बेलें हैं ये तो अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया, अभी तो मज़ीद और बहुत सारी बेलें इसके अंदर मौजूद थी, मैंने तो सिर्फ लिमिटेड जो बेसिक चीज़ें थी वो सामने सिर्फ दिखाई हैं। अब फैसला करना आप लोगों के ऊपर है, आप ये देखें कितनी नफासत के साथ इसने ये बनाया है, और जब आप ये अपने घर पे जब आप सूट स्टिच करेंगे और उन कपड़ों के ऊपर ये इतने खूबसूरत डिज़ाइंस बनाएंगे तो सोचें ये कैसे लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज ही आप लोग अपने ऑर्डर प्लेस करवाएंगे ज़ोएब मशीन्स के ऊपर। जी तो डेकोरेटिव डिज़ाइंस कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं आपको इसके ऊपर काज करने के बाद तरीका बता देता हूँ। काज करने के लिए हमें ये वाला 1 फुट रिक्वायर्ड होगा, जो कि आपको ज़ोएब मशीन से मशीन बाय करने पे ये साथ मिलेगा आपको। आपने इस साइड पे इसको ओपन कर लेना है, ओपन कर देने के बाद ये बैक साइड पर आपने इसका बटन का साइज़ दे देना है, जितना आपका बटन है, जितना आप बटन होल बनाना चाह रहे हैं इस जगह पर आपने बटन को रखना है, और उसके बाद आपने मशीन के साथ इसको अटैच कर देना।
ये बैक साइड पे इसका एक लीवर लगा हुआ है, इस लीवर को जैसे ही हम प्रेस करेंगे ये फुट रिलीज होकर नीचे गिर जाएगा और उसके बाद ये जो इसके सेंटर में आपको ये जो मेटल की पिन नज़र आ रही है यहाँ पे आपने इसको जस्ट इस जगह पे नीचे रखना है फुट के, और उसके बाद ये फुट लीवर जो है उसको आपने डाउन कर देना है। ये ऑटोमेटिकली मशीन इसको ग्रिप कर लेगी। उसके बाद एक काज वाला एक सेंसर लीवर होता है, ये आपको सेंसर लीवर एक नज़र आ रहा होगा ये वाला, आपने इसको यहाँ से डाउन कर देना है। कुछ लोग जस्ट यहाँ पे करके छोड़ देते हैं, तो आपने इसको थोड़ा सा बैक साइड पे करना है और उसके बाद ये इस जगह पे, ताकि ये प्रॉपरली इसको सेंस कर सके कि आपने बटन का जो साइज है वो कितना दिया है। जी तो अब यहाँ से मैं इसके डिफरेंट किस्म के काज हैं, मैं 8 नंबर वाले काज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपने कपड़े को नीचे लगाने के बाद स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से। ये जितना मैंने इसको काज बनाने के लिए पीछे सेंसर लीवर को सेंस साइज दिया था, मशीन ऑटोमेटिकली काज बना के रुक जाएगी। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली काज बनाया और हम इसको सेंटर से जो है वो कट कर देंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड जो है ये काट देंगे। इस मशीन के ऊपर ओवरलॉक करने के लिए हमें ये वाला एक फुट रिक्वायर्ड होगा, ये आप फुट देख सकते हैं, ये वाला फुट रिक्वायर्ड होगा जिसके ऊपर ब्लैक कलर का सेपरेटर लगा हुआ है। और इसको लगाने का तरीका भी बिल्कुल सेम है जिस तरीके से हमने बटन होल वाला फुट लगाया था। अब हम यहाँ से इसको डाउन करके ये ऑटोमेटिकली इसको ग्रिप कर लेगी मशीन और ये अटैच हो गया इसके साथ ओवरलॉक वाला फुट। जी तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा ये ओवरलॉक जो है कपड़े के किनारे के ऊपर होती है, तो ब्लैक कलर का सेपरेटर लगा, उससे हमने लेफ्ट हैंड साइड पर कपड़े को रखना है और यहाँ से 7 नंबर वाले स्टिच को मैंने सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से इसको स्टार्ट कर दूंगा। अब मशीन जो है वो कपड़े के एज को लॉक कर देगी प्रॉपरली। और बैक साइड से हम इसको जो है वो निकाल लेंगे बाहर और ये जैसा कि मैंने पहले बताया था कटर लगा हुआ। अच्छा जी अब ये देखिए ये यहाँ से इसने ओवरलॉक कंप्लीट कर दी, कपड़े के एज को जो है वो दूसरी साइड पे ले जाकर इसने लॉक कर दिया, ये आप देख सकते हैं ठीक हो गया, कपड़े के एज को जो है कम्प्लीटली मशीन ने लॉक कर दिया। जी तो इस मशीन के ऊपर पीको करने के लिए हमें ये वाला फुट रिक्वायर्ड होगा, ये वाला फुट हमने लगाना है इसके ऊपर, आप ये देख सकते हैं। अगर आप जो है मशीन से मशीन बाय करेंगे तो ये आपको बिल्कुल इसके साथ मिलेगा। 5th नंबर वाले स्टिच को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारी आम नॉर्मल जिगजैग है और इसको लगाने का तरीकाकार बिल्कुल सेम वैसे ही है जिस तरह हमने आम जो पहले वाले फुट्स लगाए थे एग्जैक्टली वैसे ही हमने इसको लगा देना है। और उसके बाद यहाँ से आप ये एक कपड़े का एक रफ किनारा देख लें, जिस तरीके से एक रफ किनारा है कपड़े का, तो हम इसके ऊपर यहाँ पर इसको रखते हैं और हल्का सा इसको टर्न दे देते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ये हल्का सा मैंने इसको टर्न दे दिया ऊपर की तरफ और यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर पीको जो है वो बेबी पीको करना चाहते हैं या नॉर्मल पीको करना चाहते हैं। अगर आप बेबी पीको करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने करना ऐसे है कि यहाँ से इसका जो स्टिच की जो लेंथ है उसको आपने छोटा कर देना है। स्टिच की लेंथ को छोटा करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि मशीन जो है वो बेबी पीको करना शुरू कर देगी। जब भी आपने पीको करनी है बैक साइड से और आगे से बराबर का आपने धागा जो कपड़ा जो है वो पकड़ कर रखना, अगर आप ये पकड़ कर नहीं रखेंगे तो मशीन जो है वो पीको नहीं करेगी। जी तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये मैंने इसको जो है पीको कर दी, कपड़े का किनारा कुछ इस तरीके से था, ये मैंने यहां से इसको पीको की, ये नॉर्मल पीको थी। अब अगर मैंने जब स्टिच की लेंथ को जब छोटा कर दिया था तो वो बेबी पीको कुछ इस तरीके से हो गई, ये आप देख सकते हैं कितनी नफासत के साथ इसने बेबी पीको की है। जी तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यहाँ तक आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली बहुत बहुत शुक्रिया, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।